आज हमारा टॉपिक है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपकी वो याद दिलाने के लिए मैं बताता चलूँ कि एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ हुआ है, यह नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का और रीजनिंग का। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रहे हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि जो हमारा ए बेस्ड सिस्टम है या जो हमारा इंटेलिजेंट सिस्टम हमने बनाना है, वो नॉलेज को बेहतर तरीके से यूज कर सके। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम जो है वो लॉजिकल टेक्निक्स पढ़ी हमने रिप्रेजेंट करने की, और नॉन लॉजिकल टेक्निक्स पढ़ी। लॉजिकल टेक्निक्स में हमने प्रोपोजिशन लॉजिक को स्टडी किया था, प्रेडिकेट लॉजिक को स्टडी किया था, और नॉन लॉजिकल टेक्निक्स में हमने प्रोडक्शन सिस्टम को स्टडी किया था। उसके बाद हमने सिमेंटिक नेटवर्क को देखा लास्ट टाइम, और आज हमारी लास्ट कैटेगरी है हमारे इस कोर्स की, जिसको हमने कह रहे हैं कि ये फ्रेम रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये लास्ट कैटेगरी है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की। एक्चुअल में जो फ्रेम रिप्रेजेंटेशन है, इसको फर्स्ट पे मिन्सकी ने जो है वो प्रपोज किया था इन 1975। ठीक है, तो एक्चुअल में ये है क्या, ये एक्सटेंशन ही है हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क की, कि जो हम सिमेंटिक नेटवर्क यूज कर रहे थे, ये उसी की एक एक्सटेंशन है। फर्क इसमें क्या है कि ये ज्यादा पावरफुल है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को समझ लें, यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये सिमेंटिक नेटवर्क जो है हमारा उसी की एक एक्सटेंशन है, लेकिन ये उससे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, अच्छा, आप इसका बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं कि अगर उसकी ये एक्सटेंशन है, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेम्स यूज होते हैं। ठीक है, और वो फ्रेम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं रिलेशनशिप के हिसाब से, और इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये बेस्ड करता है इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक हो गया, अब फ्रेम को थोड़ा समझ ले, मैं यहीं पे आपको थोड़ा बता देता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल भी है, लेकिन अभी आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए, फ्रेम एक्चुअल में क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की रिकॉर्ड की शक्ल में कोई स्ट्रक्चर हो और उसमें आप डिफरेंट स्लॉट्स बना दें, और हर स्लॉट्स में आपका जो है कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न हो हर स्लॉट्स के अंदर, और यहाँ पे इस पूरे फ्रेम का नेम हो, यहाँ पे फ्रेम नेम आपने लिखा हो, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं फ्रेम। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या किया जाता है, जो हमारे पास नॉलेज होता है उसको एक फ्रेम के अंदर राइट डाउन किया जाता है। ठीक है, उस फ्रेम में नॉलेज को रिप्रेजेंट किया होता है, और फिर वो जो डिफरेंट फ्रेम्स हैं वो फ्रेम्स एक दूसरे फ्रेम के साथ इनहेरिटेंस रिलेशनशिप के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपको नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, जब हम उस पे जाएंगे ना तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि फ्रेम क्या है। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट आप ले लें कि फ्रेम क्या होता है, एक विजुअली एंटिटी मैंने आपको दिखा दी कि इस तरह का एक रिकॉर्ड टाइप होता है, जैसे एक कॉलम होता है, और उसमें आप डिफरेंट तरह का डेटा जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो हमारे पास फ्रेम होता है उसमें कलेक्शन होती है एट्रीब्यूट्स की, उसको आप एट्रीब्यूट्स की कलेक्शन भी कह सकते हैं, या फिर आप स्लॉट्स भी कह सकते हैं, जो किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यानी मैंने जो भी आपको बताया कि इस तरह जो हमारे पास एक फ्रेम होता है, तो इसमें ये वाली जो पोर्शन है, कंपार्टमेंट है, इनको हम स्लॉट्स कहते हैं, और इन स्लॉट्स के अंदर किसी भी जो ऑब्जेक्ट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो राइट डाउन होती है कि इस ऑब्जेक्ट की करंटली ये स्टेट है। ठीक है, अच्छा, अब उसमें जो एक इंस्टेंस है फ्रेम का, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेशन होती है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब ये एक स्लॉट जो है ये एक इंस्टेंस होगा फ्रेम का, ये दूसरी स्लॉट जो है ये इसका दूसरा इंस्टेंस होगा। दूसरा क्या है इसमें पॉइंट,
कि एवरी स्लॉट हैज नेम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, कि ये जितनी भी स्लॉट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें हर स्लॉट का एक नेम होता है और उसकी वैल्यू होती है। इससे पहले कि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं, मैं आपको डायरेक्टली पहले एग्जांपल के ऊपर पे लेके जाऊंगा, जहां पे हम फ्रेम को मैं विजुअली आपको शो करवा दूंगा कि ये एक फ्रेम की कैटेगरी है। अब यहां से जो हम इसको ज़रा गौर से देखें, ये एग्जांपल है एक फ्रेम की, तो इसको ज़रा गौर से देख लें। अब जो प्रीवियस चीज़ें मैंने बताई आपको थ्योरी में, वो मैं यहाँ पर दोबारा रिवाइज करने जा रहा हूँ। तो ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम की स्ट्रक्चर है जो हम प्रीवियस स्लाइड में बात कर रहे थे कि फ्रेम जो होता है क्या होता है, एक डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको जो कोर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इस फ्रेम का नेम है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये जो आपको स्लॉट्स नजर आ रही हैं, ये स्लॉट्स हैं फ्रेम की जो कि एक से ज्यादा हैं, ठीक है। और हर जो स्लॉट होती है वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और हर स्लॉट में आपको एट्रीब्यूट नजर आएगा और उसकी वैल्यू नजर आएगी। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये कोर्स का फ्रेम है, तो इस कोर्स के फ्रेम में आपको जो एट्रीब्यूट नजर आ रहा है पहले वाला, वो है टाइटल का। ये इसका टाइटल क्या है कोर्स का, तो इसका जो वैल्यू है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। फिर दूसरा इसका एट्रीब्यूट है कोड क्या है इसका, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे उसका कोड लिखा हुआ है। थर्ड इसका एट्रीब्यूट क्या है, क्रेडिट, और उस पर क्रेडिट आर्स लिखे हुए हैं। फोर्थ इसका एट्रीब्यूट क्या है, रोम नंबर लिखा हुआ है। और ये जो एंड पे इसका एट्रीब्यूट है वो है लेक्चरर, यानी कौन सा लेक्चरर जो है वो ये कोर्स कवर करवा रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो वाली बात है, वो वाला पॉइंट है जो प्रीवियस स्लाइड में था कि फ्रेम्स के दरमियान क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। अब यहाँ पे मतलब ये है कि इस जगह जो वैल्यू चाहिए इस फ्रेम के अंदर, वो किसी और फ्रेम से इनहेरिटेड वैल्यू है, वो किसी और फ्रेम की तरफ पॉइंट कर रही है, यहाँ पे वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। यानी अगर लेक्चरर की इंफॉर्मेशन इसको चाहिए तो उसके लिए ये जो लेक्चरर का स्लॉट है, सॉरी फ्रेम है हमारे पास, ये उस फ्रेम में जाके हमें बताएगा कि इसमें लेक्चरर के लिए कौन कौन सी इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज हमें चाहिए होंगी। अब यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन लेगा लेक्चरर के लिए कि उसका नेम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, या फर्दर इसकी जो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड की होगी वो सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि किसी एक टॉपिक के लिए, किसी एक खास टॉपिक के लिए नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए उस नॉलेज की बेस पे एक फ्रेम जो है वो डिजाइन किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी फॉर्म में। और यहाँ पे फिर क्या किया जाता है, उस पहली स्लॉट में उस फ्रेम का नेम लिखा जाता है। यहाँ पे नेम लिखने के बाद फिर नीचे जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड की जाती है, और वो उसके लिए जितनी स्लॉट्स नीडेड हैं वो सारी स्लॉट्स जनरेट की जाती हैं, और फिर उन स्लॉट्स में उनके एट्रीब्यूट्स और वैल्यू जो है वो जनरेट की जाती है। इसी तरह मल्टीपल फ्रेम क्रिएट किए जाते हैं, और उसमें फिर क्या किया जाता है कि अगर एक फ्रेम की वैल्यू किसी दूसरे फ्रेम में चाहिए होती है तो उनके दरमियान थ्रू इनहेरिटेंस लिंकेज बना दिया जाता है कि यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जो इस फ्रेम में अवेलेबल है, तो ये इसके लिंकेज के थ्रू ये यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर लेगा, ठीक है। ये फ्रेम की रिप्रेजेंटेशन है। अब एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स सपोज आप क्रिएट करना चाहते हैं एक स्टूडेंट
का फ्रेम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे स्टूडेंट के फ्रेम के लिए आपको फर्स्ट स्लॉट चाहिए, ठीक है, उसके में आप उसका फ्रेम का नेम लिखेंगे। सेकंड स्लॉट चाहिए, उसमें आप जो है वो स्टूडेंट का नेम लिखेंगे। थर्ड स्लॉट चाहिए आपको, उसका रोल नंबर आपको चाहिए। फिर आपको फर्दर जो स्लॉट चाहिए वहाँ पे आपने उसकी जो है वो CGPA मेंशन करनी है। और एंड वाला अगर आपको स्लॉट चाहिए तो उसमें फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे आपने उसकी CG जो है वो एड्रेस वगैरह मेंशन करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप वन बाय वन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऐड करते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये स्टूडेंट का फ्रेम है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट का फ्रेम है। फिर आगे इसमें हम एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पे है, अगर एट्रीब्यूट मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट नेम, यहाँ पे नेम जो उसका आप ऐड करेंगे तो ये इसमें आप सेकंड स्लॉट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर आप उसका जो है वो रोल नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पे फिर आप उसकी रोल नंबर की वैल्यू जो है वो इंसर्ट करेंगे। फिर फर्दर अगर आप उसकी कोई और डिटेल देना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे उसका CGPA मेंशन करना चाह रहे हैं तो CGPA की वैल्यू यहाँ पे आप दे देंगे, ठीक है। और एंड पे अगर आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐड कर दें तो वो आप कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका कॉन्टेक्ट ऐड कर दें, ठीक है सर। इसके एडवांटेजेस क्विकली देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। एक तो ये पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से समझ आ जाती है। दूसरा कोई चक्कर नहीं है कि आपने क्लास को आइडेंटिफाई करना है या फिर दूसरी को आपने एक फ्रेम को नेम देना है और फिर उस फ्रेम के अकॉर्डिंगली उस नेम के अकॉर्डिंगली एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज जो है वो ऐड कर देनी है। प्रोग्रामिंग को ये सिंपल कर देती है और किस वजह से कि रिलेटेड डेटा एक जगह आ जाता है, ठीक है। दूसरा ये सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज है, वो तो सिमेंटिक नेटवर्क में भी है। दूसरा ये फ्लेक्सिबल है कि आप इसमें जो दूसरे फ्रेम से डेटा जो है वो इनहेरिट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल जो आपका सिस्टम है वो लर्निंग कैपेबिलिटी रखता है, तो वो रन टाइम पे एक ही फ्रेम के अंदर नया स्लॉट इंट्रोड्यूस करवाता है और उस स्लॉट की टाइप और उसकी वैल्यू ऐड कर देता है, ठीक है। और दूसरा ये एक्सप्रेसिव पावर इसकी बहुत ज्यादा है कि एक जो फ्रेम है वो पूरी वह जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। फिर हम इसके अभी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो तीन इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि इसके लिए स्टैंडर्ड्स नहीं है। स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल डिफाइंड नहीं है कि आपने जो है वो किस सीक्वेंस में एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ठीक है। एक इसकी जेनेरिक सा स्ट्रक्चर है, वो ही है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं अभी चल रहा, ठीक है। दूसरा ये जर्नलाइज्ड अप्रोच है, यानी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, एक जर्नल वे है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा इन्फेरेंस मैकेनिज्म इसका जो वो थोड़ा टफ है। इन्फेरेंस का मतलब है कि आप प्रीवियस नॉलेज की बेस पे कोई नया रिजल्ट निकालना, कोई नया क्वेश्चन को आंसर करना, तो ये इसमें पॉसिबल तो है लेकिन इन्फेरेंस का मैकेनिज्म इसमें थोड़ा आसानी से उसको प्रोसीड नहीं किया जा सकता। ये मेजर से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो अभी हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा एंड हो गया नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है।